थाने पर नायब तहसीलदार सदर विकास कुमार की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में सदर तहसील के नायब तहसीलदार विकास कुमार ने बताया कि पूरे प्रदेश के सभी थानों पर द्वितीय व चौथे शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसको देखते हुए कैंट थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें अधिकतर मामले भूमि विवाद से संबंधित आए थे, जिसमें एक मामला रास्ते से संबंधित व एक मामला भूमि विवाद से संबंधित आया था, जिसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है। यदि जरूरत पड़ी तो पुलिस व राजस्व की टीम बनाकर मौके पर भेजकर निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि थाना समाधान दिवस काफी कारगर साबित हो रहा है, नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो रहा है। इस अवसर पर कैंट थाना प्रभारी सचिव भूषण राय सहित राजस्व व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर तहसील के नायब तहसीलदार विकास कुमार ने कहा, दे दूंगा जगह है तो है जगह, इसको शपथ पत्र दे रहा है। कब दिया है? 21 तारीख को का दिया है, नहीं आ रहा ना भाई, इनको सब फिर फोन कर रहे हैं तो वो लेकिन फोन किए सर को तो बताया तो देखिए क्या मान लीजिए वो डाला गया पैसा नहीं दिए ज्यादा दिन पैसा क्या है आज जबकि रजिस्ट्री में कह रहा है पैसा हम पा गए हैं मेरा नाम विकास कुमार है, तहसील सदर में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत हूँ। थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, किस तरह का मामला है? अभी तक दो मामले आए थे, एक रास्ते संबंधित था, एक भूमधरी संबंधित था। दोनों को लेखपाल ने देख लिया है, ठीक है, और उसके समस्या समाधान के लिए किया जा रहा है। अगर आवश्यकता पड़ी तो फोर्स भेज करके उस समस्या समाधान कर दिया जाएगा। थाना समाधान दिवस में पुलिस और राजस्व टीम दोनों मिलकर के काम करती है, इसलिए समस्या का त्वरित निस्तारण करने का प्रयास भी किया जा रहा है और हो भी रहा है।